तो भाई चिकन मोमोज बना लिए, वेज मोमोज बना लिए, तंदूरी मोमोज बना लिए, मोमोज की मास्टर क्लास भी ले ली, आपको अलग अलग शेप्स भी दिखा देंगे, भाई देखिए ऐसे मोमो बनाते हैं, ऐसे मोमो बनाते हैं। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रणवीर ये बड़ा मेहनत का काम है, बाहर से मंगाए खा लेंगे, इतने सारे एक साथ, मतलब अगर मैं 15-20 मोमो खाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार, और अपने आइस क्यूब चैलेंज के साथ बनाएंगे मोमोज। नहीं, ये वो वाला चैलेंज नहीं है कि मतलब वो आइस क्यूब वाले पानी से नहाना है और अपने दोस्त को बोलना है तुम भी नहाओ। ये बेसिकली फर्स्ट क्लास चैलेंज है, जहाँ पे आप एक साथ 20-20 मोमो यूँ बना सकते हैं बगैर मेहनत किए हुए, इंटरनेट पे पहली बार आपके सामने, लेकिन म्यूजिक के उस पार। कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी, आइस क्यूब मोमोज बनाने के लिए आपको चाहिए आइस क्यूब की ट्रे, ठीक है। अगर मेटल वाली है तो मेटल वाली ले लीजिए, अगर मजबूत प्लास्टिक वाली है तो प्लास्टिक वाली ले लीजिए, बाकी मम्मी नहीं मारेगी, नुकसान नहीं होगा, हम पहले से बता दे रहे हैं, ठीक। अगर आप हमारी बात सुनेंगे तो ये गया मैदा, मैदे के अंदर थोड़ा सा आटा, नमक। अगेन, हम लोग मोमोज के बारे में बात कर चुके हैं बहुत, इसलिए मोमोज की हिस्ट्री, मोमोज का कल्चरल रेलेवेंस टिबेटन कल्चर में, उस बारे में मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन ये ज़रूर कहूंगा कि एक टिबेटन फेस्टिव डिश को कैसे हम हिंदुस्तान में सेलिब्रेट कर रहे हैं रोज़ रोज़ हर रोज़ खा के, वो बड़े मज़े की बात है। क्योंकि टिबेट में ये कभी कभी ही बनता था, क्योंकि गेहूँ इतना आम नहीं है ना, हाँ, तो ये लग्जरी था। लेकिन यहाँ पर हम रोज़ रोज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं 20, 25, 30, 40 मोमो खा के, हाँ? अब ये मेरा सीक्रेट है जो मैं किसी को नहीं बताता, सिर्फ आपको ही बताया मैंने। इसके अंदर हम डालेंगे विनेगर, थोड़ा सा विनेगर, जैसे अपना एक कप मैदा था तो उसके अंदर सिर्फ 1/4 टीस्पून विनेगर। विनेगर की जो है वो खुशबू नहीं आएगी, लेकिन विनेगर जो स्टार्चेज होती हैं मैदे के अंदर, उनके साथ एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, उनको ब्रेक डाउन करता है, मैदे में एक अच्छा लचीलापन लाता है। और जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे ग्लूटेन जो है वो एक प्रोटीन, ग्लूटेन को डीनेचर करने में, ग्लूटेन के साथ थोड़ा खिलवाड़ करने में ये विनेगर जो है मदद करेगा। देखिए, जो डो है वो ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा ढीला, और डो में जो लचीलापन है वो ऐसे खींच खींच के तो आएगा ही, साथ में रेस्टिंग से भी आएगा। अब देखिए क्या क्या है, हमने ग्लूटेन डेवलपमेंट शुरू करवा दिया। ग्लूटेन यानी कि वो प्रोटीन जो कि मैदे को लचीलापन देता है। अब उसको शुरू करवा के आगे का काम जो है वो समय करेगा, ठीक। समय मतलब रेस्टिंग करेगी। जिंदगी में भलाई और मैदे में ढलाई बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ऑयल, गूंधने के बाद डाला गया तेल लचीलापन देता है, गूंधने से पहले डाला गया तेल खस्तापन देता है। ये हो गया पार्ट नंबर वन। पार्ट नंबर वन है फिलिंग, जो कि हमने बना ली। पार्ट नंबर टू है मैदा, जो हम अभी गूंधेंगे। पार्ट नंबर थ्री है स्टीमिंग। मेरे को देखना पड़ता है ना, सब लोग देख रहे हैं कि वो मस्त हो गया एकदम, 1.25, 1.5, 2 की स्पीड में चल रहा है कुछ भी। फिलिंग की तैयारी करते हैं जी, फिलिंग की, ठीक है। तो बेसिकली मुझे लगा यार कि जिनको शेप बनानी नहीं आती और वो नीचे कमेंट में लिखते हैं कि हमें शेप बनानी नहीं आती, तू तो दिखा रहा है ऐसे बनाओ मोमो, वैसे बनाओ, हैं, वो क्या करेंगे, क्या वो घर पे बने मोमोज नहीं खा सकते? और अगर वो ऐसे शेप बनाते रहे और 20-30 मोमो खाने हुए तो क्या करेंगे? इसलिए मैंने कहा रणवीर ब्रार, निकालो नया जुगाड़। तो इस तरह पैदाइश हुई दुनिया में पहली बार आइस क्यूब मोमोज की। देखो जी, ये भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब रणवीर ने बोला कि मैं आसान कर दूंगा और उसके बाद ऐसे चॉपिंग करके दिखा रहा है शेफ़ की तरह। वो आजकल वो मशीन आती है ना, वो ऐसे गर्र गर्र रस्सी वाली, जिसमें कि आप वो चॉपर होता है ना रस्सी वाला, कि आप डालो और खट से जो है वो ऐसे रफ रफ चॉप हो जाए, वो यूज़ कर लो, मिक्सी में डाल दो मोटा मोटा काट के। मतलब ये नहीं होना चाहिए ना, आप बोलोगे शेप की मेहनत तो कम कर दी और कटिंग की मेहनत बढ़ा दी। बेसिकली ये जो डाइसेस हैं ना, ज़्यादा मोटे होने चाहिए ना ज़्यादा पतले, अगर ज़्यादा पतले होंगे ना तो हलवा बन जाएगी फिलिंग, राइट, एकदम मुशी हो जाएगी। और अगर ज़्यादा मोटे होंगे तो फिर क्या है ना, वो आपका जो बाहर की केसिंग है वो फट जाएगी। अब ये जो है इसमें नमक अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। नमक थोड़ा मैंने ज़्यादा डाला है, नमक का मकसद यहाँ पर पानी निकालना है सब्ज़ी का, वरना ये पानी अगर यहाँ नहीं निकला तो मोमो के अंदर निकलेगा और मोमो जाएगा फट, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, नमक डाल के छोड़ दो 10 मिनट। बेसिक ऑस्मोसिस है जी, मेम्ब्रेन के इस तरफ अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो मेम्ब्रेन के उस तरफ से कॉन्सेंट्रेशन बराबर कर दिया जाएगा।
तो ये देखो जो सीक्वेंस मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, वही सीक्वेंस आप भी फॉलो करना, क्योंकि पहले डो बना के रेस्ट करना वो ज़रूरी है, फिर फिलिंग में नमक लगा के छोड़ना वो ज़रूरी है, और बीच में जब समय मिले तो चटनी का सामान तैयार करना वो भी ज़रूरी है, ठीक है। फॉलो द सीक्वेंस। टमाटर, ये जो लाल मिर्च अगर मैं नहीं डालता ना तो मेरी क्लास लग जाती है। पल्लवी की फेवरेट लाल मिर्च है, हमको हर बार दिखानी पड़ती है कैमरा, आपको बड़ी सुंदर लगती है, ठीक है। लाल मिर्च जिसकी वजह से हमारी शादी बची हुई है। नाइस। थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं, आप चाहें तो प्याज को टमाटर को काट के थोड़ा ऑयल लगा सकते हैं। कुछ लोग प्याज नहीं डालते, प्याज डालने से शेल्फ लाइफ कम होती है। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा मन किया, अदरवाइज सिर्फ मिर्च और टमाटर को रोस्ट करेंगे तो चलेगा, ठीक है जी। अगेन ऐसा नहीं है कि अपने को ऐसे ही चूल्हे के ऊपर उलझना है, ओवन में डाल दीजिए, अगर आपके पास ओवन है ओवन में डाल दीजिए, एयर फ्रायर में डाल दीजिए रोस्ट होने के लिए। बेसिकली थोड़ा सा पकाना है बस। यहाँ पर अगर पीनट ऑयल है या तिल का तेल है तो डाल दीजिएगा। छिलके वाली मूंगफली अगर नहीं है दूसरी वाली डाल दीजिए, हम बहुत लेजी हैं, हमने काम छिलका नहीं निकालेंगे। गार्लिक, तिल, तिल ऑप्शनल है, डालेंगे तो मज़ा आएगा, खासतौर सर्दियों में। अब ये जाएगी मिक्सी में पिसने, और अगर हटास नींबू में कम हुई तो और डाल लीजिए, अगर आपको मिर्च ज़्यादा है तो डाल लीजिए। मैं वैसे थोड़ी सेजवान चटनी, वैसे भी सेजवान सॉस साइड में रखता हूँ। सेजवान सॉस की रेसिपी आपको पता है, मतलब रणवीर ब्रदर्स सेजवान सॉस लिखिए, देखिए बढ़िया रेसिपी मिलेगी। ये लो जी, जिस सब्जी में देखिए नमक डाला था, देखिए कैसे पानी छोड़ रही है। अब देखा आपने, ऑस्मोसिस एट वर्क। अगर साइंस टीचर बचपन में ऐसे समझाते समझ में आता कि नहीं समझ में आता? अगर ऐसे बोलते कि भैया देखो जब सब्जी में नमक डालते हो तो पानी छूटता है, हो गया ऑस्मोसिस, सबको याद रहता। अच्छा अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे रणवीर ने पहलवानी दिखाई वैसे ही करना है, मतलब आप ऐसे मलमल लें या फिर डस्टर लें, घर का जो झाड़न है वो लें, उसके अंदर सब्जी डालें, ऐसे बंडल बना के उसको ऐसे करके निचोड़ दें, जैसे कपड़े धोने के बाद निचोड़ते हैं ना, सब पानी निकल जाएगा। अभी पनीर या टोफू, ये पनीर लिया, पनीर के अंदर डाला ढेर सारा धनिया मेरा प्रिय मित्र, हरी मिर्च, अब इसे कर लो मैश। देखो सीधी सी बात है, जहाँ पर धनिया जा रहा है और साथ में उसकी बहन हरी मिर्च जा रही है, वहाँ पे उनकी मौसी की लड़की यानी कि अदरक ज़रूर आएगी। एक और चीट बताऊँ, ये दिल्ली वालों का चीट है, फिलिंग के अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट बटर। ये जो जो क्रीमी फिलिंग के पीछे पागल है ना एकदम दिल्ली, उसका सीक्रेट है वो। आई नो मेरे सारे टिबेटन फ्रेंड्स नीचे कॉमेंट करें, टिबेट में बटर नहीं डालते हम लोग मोमोज में। डोंट वरी, थोड़ा सा डाल दो, मज़ा ना आए पैसा वापस। और जब मैंने बोल दिया आइस क्यूब मोमोज, तो ट्रिबट में तो फिर आइस क्यूब मोमोज भी नहीं बनते ना, तो ऑलरेडी मैं लिबर्टी ले रहा हूँ कान पकड़ के, तो इतना तो कर लें दो, मेरे को थोड़ा बटर डाल लें दो। हो गया ना एकदम नर्म मुलायम, क्या था वो ऐड मेरे को याद आ रही है। अबे होए एकदम मक्खन डाल के ना एकदम परोठा बना दूँ इसका, मोमो परोठा, देखना कमेंट में लिखो जी कमेंट में। कहते रणवीर ने परौंठे दी फिलिंग बना दी। देखिए हल्की सी जो क्रीमीनेस आ जाती है ना, सब्जियों का खुरदुरापन जो है वो बैलेंस हो जाता है। और आपने अगर सब्जियां छोटी छोटी काटी होती तो आधी सब्जियां तो यहाँ नमक डालने पे घुल गई होती, बाकी जो है वो स्टीम करने पे घुल जाती, यानी कि आप बनाने जाते वेजिटेबल मोमोज और बन जाते हलवा मोमोज, और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था हलवा मोमोज नहीं बनाने, वेजिटेबल मोमोज बनाने, इसलिए सब्जी थोड़ी सी मोटी काटो। ओके चलो चलो मोमो बनाते, बहुत हो गया रणवीर ब्रदर, तेरी गल्ला ही नहीं मुकदियाँ। गल्ला नहीं मुकदियाँ मतलब इतनी पंजाबी तो आपको साथ साथ सीखनी पड़ेगी। गल्ला नहीं मुकदियाँ मतलब बातें नहीं खत्म होती तेरी। देखिए मैं बड़ा वाला बेलन भी ले सकता था शेफ गिरी करने के लिए, थोड़ा शो ऑफ करने के लिए आपको, लेकिन मैंने घर वाला बेलन लिया है क्योंकि आपको दिखाना ज़रूरी है कि घर में भी पॉसिबल है। सूखा मैदा खुला रखें, अभी लेते हैं इसको काट। अब देखिए जैसे ये है आपकी आइस क्यूब की ट्रे, अब आपको इस आइस क्यूब की ट्रे का लगभग डबल काटना है दोनों तरफ से मार्जिन छोड़ते हुए। अच्छे से ऑयल लगा लीजिए ट्रे के नीचे वाले हिस्से में। अब आपने एक साइड से ऐसे इसको एजिस पे बैठा लेना है। देखिए ये पार्ट थोड़ा ध्यान से देखिए, और इसको बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे ढीला ढीला बैठाना है। अभी एक तो ये बैठ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है ये फैल रहा है धीरे धीरे, ये जो खांचे में
साथ साथ जगह बनाते रहिए। ये देखिए भाई, जो एक्स्ट्रा है के बैक साइड से लेकर काट दीजिए। बस टूथपिक से एक एक होल कर दिए ताकि हवा जो है उसके निकलने की जगह बन जाए। अब फिलिंग लीजिए और धीरे धीरे ये एक दो अच्छे से दबा दीजिए इसको। दो जो है वो आपका लचीला होना चाहिए बस। इसमें ट्रिक वही है, इसकी मोनोपोली जो है ना वो वही है। देखिए धड़ाधड़ बन रहे हैं ना मोमोज, दम फैक्ट्री माफिक। इसके ऊपर की लिड की तैयारी कर लेते हैं ना, पतला सा बेल लेते हैं। थोड़ा ज्यादा ही लंबा बेलिया है क्योंकि मैदा है वो श्रिंक होगा। बैक ऑफ द नाइफ से करेंगे इसको, हाँ, वरना जो है आइस क्यूब की ट्रे जो है कट जाएगी, मम्मा मारेगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। नाइफ के पिछले हिस्से से काटना है इसको। और इसमें पता है क्या है मजे की चीज, आप चाहें तो हर आइस क्यूब के अंदर थोड़ी सी ऐसे दो दो बूंद सेजवान चटनी डाल सकते हैं, उसके ऊपर फिलिंग डाल सकते हैं। यानी कि आप मोमो खाएं अंदर चटनी अंदर फिलिंग। भाई हमें बोला गया कि रणवीर सेजवान चीज़ मोमोज तो बना दो, तो हमने कहा चलो ये भी कर देते हैं। नीचे सेजवान सॉस डाला हुआ है, उसके बाद ऊपर हमने डाल दी चीज़। लगे हाथ आपको मिल गई सेजवान चीज़ आइस क्यूब मोमो की रेसिपी। और इसके ऊपर लगाना है ढक्कन। अगर तो आप चिकन मोमोज वगैरह बना रहे हैं तो फिर आप अंडा भी लगा सकते हैं। जब आप ऊपर की लिड लगाएंगे, जब ऊपर का हिस्सा लगाएंगे तो उसमें अंडा भी लगा सकते हैं, नहीं तो पानी। देखो ये बातों ही बातों में एक दो तीन चार पाँच छः, छः तीन अठारह, और एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चौको अट्ठाईस, अट्ठारह और अट्ठाईस छियालीस, 46 मोमो बन गए बताओ। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, ऊपर से जो है क्लिंग रैप करिए, ढकिए और फ्रीजर में डाल दीजिए। जब जरूरत हो सीधा ट्रे जो है वो स्टीम कर लीजिए और निकाल लीजिए। बताइए स्टोरेज का भी चटनी। और अगर आप इसको फ्रीज करते हैं ना तो फिर आप इसको ट्रे से निकाल के जब शेप अपनी ले ले उसके बाद स्टीम कर सकते हैं बगैर ट्रे के भी। पार्टी है, दोस्तों को इम्प्रेस करना है, बड़े सारे लोग आ रहे हैं एक साथ मोमोज बनाने, और आपको अपनी बेइज्जती नहीं करवानी कि आपको मोमो शेप नहीं करने आते, आपने उसको ऐसे घुमाया कि ट्रेंड बना दिया आपने। ट्रेंड एक्चुअली मेरा मन नहीं था, हम लोग ये ट्राई कर रहे थे पीछे, तो टीम ने बोला नहीं नहीं ये तो चलने वाला आइटम है, इसको तो आपको दिखाना पड़ेगा यूट्यूब पे, इसलिए ये रेसिपी यहाँ तक पहुँची, नहीं तो ये ऐसे ही बस आई गई हो जाती। क्योंकि क्या है ना, इडली में रावियोली बनती है तो ऐसे ही रावियोली ट्रे होती है, और रावियोली ट्रे के अंदर पास्ता शीट डाल के फिलिंग डाल के ढक दिया जाता है। तो मैंने कहा अब अगर हम रावियोली ट्रे हटाएं और गहरा कर दें उसको, तो आइस क्यूब ट्रे ले लेते हैं और रावियोली क्यों बनाए, मोमो ही बना लेते हैं। तो जहाँ क्रेडिट ड्यू है वहाँ दे दिया हमने। देखिए ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, पानी डालने में कंजूसी ना करें, ठीक है, वरना ट्रे जल जाएगी। और आप मतलब आप चाहें तो सीधी भी डाल सकते हैं ट्रे, या फिर ऐसे कोई जाली अगर आपके पास है तो जाली डाल के भी डाल सकते हैं। मैं सीधी डालूंगा क्योंकि जाली आपके पास नहीं होगी और आप फिर कहेंगे कि रणवीर आपने बताया नहीं, तो इसलिए मैं सीधी डाल रहा हूँ। ये देखिए ये गई ट्रे ऐसी की ऐसी पानी के अंदर, ठीक है। और अगर आपके पास एल्युमिनियम वाली ट्रे है फिर तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो मतलब गॉड इज़ ग्रेट है। और क्या कर सकते हैं, और मेयोनेज डाल सकते हैं, है ना। सारे अब तक तो जो है भाग चुके हैं सब लोग, लेकिन भैया कभी चीज़ मेयो मोमोज खाइए सूरत में जाके, और लाइन देखिए जरा उसके पीछे कितनी लगती है। ऐसे किसी कभी भी किसी कॉम्बिनेशन को डिसरिगार्ड नहीं करते, मैंने ज़िंदगी में ये सीखा है। पसंद नहीं है बोल दो, डिसरिगार्ड मत करो। अब इंतज़ार करना है जी, इंतज़ार कितनी देर करना है, लगभग 7 मिनट इंतज़ार करना है स्लो फ्लेम पे। अगर मीडियम फ्लेम है तो 5 मिनट में मामला सेट हो जाएगा, उससे ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिएगा वरना फिर मम्मा। देखिए होल करने का फ़ायदा कि हवा जो है वो एक्सेस हवा यहाँ से निकल गई। देखिए अब इसको थोड़ी देर अगर छोड़ेंगे तो मैदा जो है वो श्रिंक होगा, और अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो बस ऐसे साइड में छुड़ा लीजिए ऐसे। ये देखिए ऐसे टूथपिक से पकड़ के भी आप इसको हल्का सा खींच सकते हैं बाहर। We all turn to light.
देखा एकदम भरा भरा रेडी रेडी गरम गरम मुंह में आ रहा है पानी और बेस्ट पार्ट क्या है नो झंझट एक साथ 100 आदमी का मोमो बना लेंगे अब आप और बेस्ट पार्ट क्या है कि फिलिंग लगा लो है क्योंकि जब तक आप फिलिंग इसके अंदर डालेंगे नहीं अपनी शेप नहीं पकड़ेगा यानी कि मजबूरी में आपको फिलिंग ठोक के डालनी पड़ेगी इसके अंदर बाकी गॉड इज ग्रेट वैसे तो मैं मुफ्त की तारीफें जो है वो कभी नहीं करवाता लेकिन ये जरूर बता रहा हूँ कि अपनी आइस क्यूब ट्रे निकालिए और दुनिया में पहली बार आइस क्यूब मोमो बनते हुए देखा है आपने इस बात से खुशी पाई और इसको बिल्कुल बर्फ की तरह फैला दीजिए नहीं आग की तरह फैला दीजिए इस वीडियो को ताकि सब लोग देखें कि आइस क्यूब मोमो क्या होता है वैसे मैं अपनी तारीफ नहीं करता लेकिन आइटम नया है जल्दी जल्दी इसको एडिट करके लगा दो कोई चुरा लेगा आइडिया अपना भाई चुराओ बनाओ मजे करो बस वो इंपॉर्टेंट है Plastic words and printed trees Air is dull with dim beliefs Phony smiles and painted cheeks Dreams are far